तारे जहां से अच्छा हिंदू सता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। नमस्ते, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूँ ऋतु शर्मा। स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं आपका मनपसंद कार्यक्रम साप्ताहिकी लेकर, जिसमें हम आपको बहुत कम समय में देते हैं हमारे हर कार्यक्रम की पूरी जानकारी। तो अगले एक घंटे तक बने रहिए हमारे साथ और जानिए कि हमारी टीम ने आपके लिए इस हफ्ते इकट्ठी की है कौन कौन सी जानकारियाँ। अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे कार्यक्रम आप और हम से। इस हफ्ते हमने आपकी मुलाकात करवाई थी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के पूर्व निदेशक डॉक्टर एस ए पाटिल जी से। हमने चर्चा की और साथ ही उनकी राय ली कि क्या वाकई में देश को दूसरी हरित क्रांति की जरूरत है। आइए एक नजर डालते हैं उनकी टिप्पणी पर। जो भी हरित क्रांति पहले चरण में हुआ वो ज्यादा से ज्यादा इरिगेटेड एरिया में हो गया है। अभी इरिगेटेड एज वेल एज ड्राईलैंड में दूसरा हरित क्रांति होने का बहुत ज़रूरी है। आपको क्या लगता है कि जो पहली हरित क्रांति हुई थी उसे हमें जो भी उसमें दोष रहे, खासकर उसमें जो है फर्टिलाइजर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ, कीटनाशकों का इस्तेमाल हुआ, जिसके दुष्परिणाम हमें देखने को मिल रहे हैं, तो क्या जब ये हम लोग शुरू करें, देश शुरू करें दूसरी हरित क्रांति, तो उसमें उससे क्या क्या सीखा जा सकता है? एक तो हमने बताया कि उर्वरकों का जिस तरह बेतहाशा इस्तेमाल हुआ, कीटनाशकों का हुआ और भूजल का काफ़ी दोहन हुआ, तो जो दूसरी हरित क्रांति होगी उसको लेकर आपका विज़न क्या है कि क्या उसमें कैसे उसको किया जाए? तो पहले हरित क्रांति का ऑब्जेक्टिव ऐसा था, सो देश में हम दूसरे देश से मांग रहे थे, वो ज़रा ज़रूरी में था, नेसेसिटी बहुत था उधर, वेर इम्पोर्टिंग वीट, तो इसको थोड़ा कम करना था और बंद भी करना था। इसलिए तो जो उधर रेवोल्यूशन हो गया जीन से, सो डॉर्फिंग जीन से, स्पेशली वीट में नारिन 10 ये भी और राइस में डीजी वूजन, देवर डॉर्फिंग जीन्स। यहाँ पहले जो धान और गेहूं में जो वैराइटीज़ थे वो काफ़ी हाइट बढ़ के थे, फर्टिलाइजर का रेस्पॉन्सिव नहीं था। ये ड्वार्फ करने से वो जमीन के ऊपर गिर के जो लॉस होता था तो ज़्यादा ड्राई मैटर में ही न्यूट्रिएंट जाते थे, या बहुत बड़ा इन्फ्लोरेसेंस और ज़्यादा यील्ड ड्वार्फिंग फर्टिलाइजर रेस्पॉन्सिवनेस ज़्यादा हो गया, तो इसलिए तो बहुत त्वरित गति में हमारा फूड सिक्योरिटी करने के लिए ये तो बहुत बड़ा मकसद दिया। तो ऐसा है, जो भी नया चीज़ आता है तो हम तो इंस्टीट्यूट से जो करने का है सही तरीके से सिखाते हैं किसानों को, फिर वो ज़्यादा यील्ड लेने के लिए काफ़ी फर्टिलाइज़र डालने लगे। ज़्यादा फर्टिलाइज़र डाले तो ज़्यादा पेस्ट भी आता है, पेस्ट कंट्रोल करने के लिए फिर दवा ज़्यादा मार रहे थे। ये तो चल रहा है, अभी भी चल रहा है इरिगेटेड। इसके लिए कोई मॉनिटरिंग बॉडी नहीं है जो किसानों को बता सके कि बता तो जा रहे हैं, जो वो देखते हैं इनकम और यील्ड, ज़्यादा यील्ड आए तो ज़्यादा इनकम आता, खर्चा अच्छा नहीं रखता तो ज़्यादा पैसे भी खर्चा करते हैं, तो वो निकाले तो वो उतना फ़ायदा नहीं है। तो जैसे आप हमारा रिकमेंडेशन से करें तो 2-3 क्विंटल कम आएगा, फिर खर्चा बहुत कम हो जाएगा और वो जो एनवायरनमेंट के जो असर पड़ रहा है ज़्यादा यूज़ करने से वो नहीं पड़ते थे। थोड़े से के अच्छे जो किसान हैं वो फिर भी ऐसा ही कर रहे हैं। और एक माहौल हो गया जब ग्रीन रेवोल्यूशन के ये राइस और गेहूं के जो किस्में निकले वो 20 क्विंटल 25 क्विंटल ऐसा एक एक एकड़ को आने लगा ना, इसलिए तो और ज़्यादा करने के लिए और ज़्यादा फर्टिलाइज़र डालने लगे। वो तो अभी कम हो रहा है, लाभ मार्जिनल रिटर्न सभी ऑपरेट हो रहा है अभी लोगों को। सबसे ज़्यादा इसका बुरा असर पड़ा हेल्थ पे। पंजाब में तो ऐसा है कि कैंसर के पेशेंट इससे बहुत ज़्यादा बढ़े हैं और ज़मीन की उर्वरकता पर भी असर पड़ा है। एक ही सीज़न में दो सीरियल लेते ना, अभी पहले तो रोटेशन होता था, काटन होता था एक सीज़न में और दूसरे सीज़न में वीट होता था। जब पानी का ये बढ़ गया, नॉर्थ में तो उतना राइस नहीं था पहला, अभी राइस का एरिया भी आ गए, जब बासमती आ गए एवरी ईयर तो बासमती ही लेना चाहते हैं क्योंकि उनका दाम ज़्यादा है,
ऐसे जो चीज हो रहे हैं उनके तरफ से हो रहे हैं। अभी हम लोग किस स्टेज पे हैं अगर बोले? अभी तो न्यूट्रिएंट के लिए हिसाब से ज्यादा लोग सॉइल हेल्थ बोल रहे हैं, जिसकी बात प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं। प्रधानमंत्री के दिमाग में पूरा सॉइल हेल्थ का है, है। जो भी अभी अभी उसकी हम शुरुआत नहीं कर पाए, नीचे आता है तो न्यूट्रिएंट का ही करता है वो। सॉइल हेल्थ अच्छे अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उधर रहना, जो उधर के ही है, जो एग्रोक्लाइमेटिक एरिया का है, उसको बढ़ाना, कार्बन कंटेंट बढ़ाना, इसलिए तो सॉइल फर्टिलिटी और सॉइल हेल्थ दोनों बढ़ जाएंगे। अगर मैं जानना चाहूँ कि किस देश के किस क्षेत्र में, किस हिस्से में इस तरह का ऑर्गेनाइज वे में काम हो रहा है सॉइल के मामले में? हो रहा थोड़ा, मैंने अच्छी तरफ से थोड़ा जो भी दिखाने के लिए थोड़ा ज़्यादा मात्रा में हो गया है वो गुजरात में हो गया है। अच्छा। तो बाकी का और लाइन में है मध्य प्रदेश, तो ऐसे महाराष्ट्र, तो बहुत पीछे हैं। गुजरात में भी अभी समझो 50% हो गए, तो दूसरे स्टेट में 5-10% में है, तो उतना कंपेयर नहीं कर सकते, बड़ी मात्रा में तो नहीं हो गए। अभी जो पोटैश का ज़रूरत ज़्यादा नहीं है इंडिया में, कहीं कहीं थोड़ा जगह छोड़ के, इसको भी हम जितना रिकमेंडेशन करते हैं उतना डालते हैं, वो क्रॉप यील्ड के हिसाब से और ड्यूरेशन के हिसाब से लगाना चाहिए। अभी आप बनाना करना है तो 500-600 किलो पोटैश होना पड़ता है, तो ऐसे हिसाब से जो ज़मीन में पोटैश है उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म मोबिलाइज करने वाले उसको डाले तो उतना ज़्यादा डालने का प्रयास नहीं है, वो आधा भी कर सकते हैं। ऐसे इससे बहुत फ़ायदा होने वाले हैं सॉइल न्यूट्रिएंट स्टेटस और हेल्थ स्टेटस से। अभी अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो नंबर बढ़ाते हैं, जैसे आप कर्ड बनाते हैं, अच्छे कल्चर डाले तो अच्छे कर्ड होता है, इसमें भी वो डालना पड़ेगा। इसके लिए तो ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट ज़्यादा करना पड़ेगा। कार्बन कंटेंट ज़्यादा करने के लिए ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स, सीक्वेंस क्रॉप्स, ऐसे। मैं वही आ रहा था कि अगर आप सीधे बोल रहे हैं कि अगर दूसरी हरित क्रांति हमें शुरू करनी है तो सबसे पहले सॉइल पे काम करना होगा। दोस्तों अभी वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि हफ्ते भर की जानकारियों को एक साथ देखने का ये सुनहरा मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा, तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं इस छोटे से विराम के बाद। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अब बात करते हैं हमारे अगले कार्यक्रम बातें खेती की, जिसमें हम आपको खेती से जुड़ी हर जानकारी देते हैं जिससे आपको आपकी खेती करते वक्त मदद मिले। इस हफ्ते हमने आपको बताया था ज्वार, बाजरा और अजोला के बारे में, रूबरू करवाया इनकी खेती से जुड़ी सभी बातों से। आइए एक नज़र डालते हैं हमारी खास बातचीत पर। इसके साथ ही आपको लेकर चलेंगे अपने कृषि विशेषज्ञ के पास, जिन्होंने दिए हैं हमारे किसान दोस्तों के कुछ सवालों के जवाब। जब खरीफ में हम ज्वार की और बाजरा की बात करते हैं तो सबसे पहले जो सावधानी बरतने वाली बात यह है कि जहाँ पर जल भराव होता हो वहाँ ज्वार बाजरा नहीं बोना चाहिए। बहुत अधिक बरसात वाले क्षेत्रों में भी जो है ज्वार बाजरा को हम पकाने के लिए नहीं बोते हैं, बल्कि चारे के लिए बोते हैं। ज्वार और बाजरा कम जहाँ पर बरसात होती है, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में जो है इसकी उपज बहुत अच्छी होती है, और ख़ासकर हमारे उत्तर प्रदेश में जो इसकी बेल्ट है वो है हमीरपुर है, बांदा है, जालौन है, और इलाहाबाद है आपका, उसके बाद फतेहपुर है, फिर आप हरदोई में आ जाइए, फर्रुखाबाद की तरफ जो है ये जो है सबसे ज़्यादा, और आगरा में जो है कि बेल्ट जो है इसमें बाजरा और ज्वार बहुत ज़्यादा होता है। आम तौर पे जब हम किसी भी सीज़न में किसी भी खेती की बात करते हैं तो हम बीज उपचार की, भूमि उपचार को बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही हमें पता है कि रोग और कीट की संभावना है, तो एक तो हमने उस तरह की प्रजाति का चयन किया, वो किस्म ली जो इसकी रोग प्रतिरोधक है। इसके अलावा उपचार की जो हम बात करते हैं, बीज उपचार की, भूमि उपचार की, उसकी जो महत्वता है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। ज्वार के मामले में जो है वो बहुत ज़रूरी है कि इसका बीज उपचार कर लिया जाए, और यहाँ तक कि ज्वार में चूँकि फफूंदी नाशक रोग जो लगते हैं और ये अगर हमने पहले से ही बीज उपचार कर लिया है तो इसकी शंका कम हो जाती है। तो ऐसी दशा में दो बातों का ध्यान रखना है, एक तो बीज उपचार अवश्य करें, एक बात ध्यान में रखने वाली ये भी है कि
जो हमारी उन्नतशील जात है और हाइब्रिड जात है, इसमें उर्वरकों का बहुत विशेष ध्यान रखना है। हम पशुओं के चारे के लिए या ज़मीन की, भूमि की उर्वरा शक्ति को लेकर उसको बढ़ाने के लिए हम जब खेती की बात करते हैं और अजोला की बात आती है, तो मैं चाहूँगी कि इसके बारे में आप थोड़ा सा विस्तार से बताएं। ये अजोला एक जलीय फर्न है जो पानी के ऊपर पाया जाता है। तो ये हम पशु, इसमें हम दो प्रकार से प्रयोग करते हैं, एक पशुओं के लिए और एक धान की फसल में नाइट्रोजन का फिक्सेशन के लिए। जो पशुओं के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, उस प्रजाति का नाम है अजोला पिन्नाटा। और जो धान में हम नाइट्रोजन का फिक्सेशन के लिए प्रयोग करते हैं, जो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन 78-78% जो नाइट्रोजन पाई जाती है, उसका प्रयोग अजोला की एवीना प्रजाति है उसका प्रयोग हम धान में करते हैं। फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, अपना नाम बताइए। मेरा नाम रंजीत सिंह है जी। रंजीत जी, क्या समस्या आपकी खेती से जुड़ी हुई? समस्या यह है जी, हमने धान बो रखी है जी, और उसमें जो है जैसा दीमक लग जाती है, पीली पड़ रही है साथ ही धान। नहीं, ये बताइए, दीमक लगी हुई है या धान पीला पड़ा हुआ है? नहीं जी, दीमक नहीं है, धान पीली पड़ी हुई है। हाँ ठीक है, तो देखिए ऐसा है कि ये जो धान पीला पड़ रहा है, तो आप किस क्षेत्र से बोल रहे हैं जरा ये बताइए। हम बोल रहे हैं जी हापुड़ के पास से। हापुड़ के पास से? बरसात तो कम हो रही है आपके यहाँ? हाँ जी, बहुत कम है जी। अच्छा ये बताइए, खेत में, धान के खेत में पानी भरा रहता है? हाँ जी। हाँ तो देखिए ऐसा है कि बरसात तो कम हो रही है जी, बाकायदा धूप पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है जी, और खेत में पानी भरा हुआ है जी। इसकी वजह से आपके जो है झंडा रोग, जिसे बकानी रोग कहते हैं, ये बीमारी इसमें आ रही है। अच्छा, और इसके लिए सबसे पहले तो आपको ये करना है कि जब खेत में आप दो चार दिन पानी भरा रहे जी, तो या तो उसको सुखा दें या निकाल दें। अच्छा जी। हाँ, पानी गर्म नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ, और उसके बाद जो एक दवा मैं बता रहा हूँ आपके लिए, इसको आप लेकर के उसका छिड़काव करेंगे, तो 1.25 लीटर जी बायोमाइसिन एक दवा आती है। अच्छा जी। इसको 500 से लेकर के 600 लीटर पानी में आप घोल लीजिए। ठीक है जी। और घोलने के बाद इसका छिड़काव कर देंगे, तो आपको ये जो पीलापन आ रहा है जी, और इसकी वजह से ये बाद में जो बहुत अधिक जब पीली पड़ जाएगी तो सूख भी सकती है, तो इससे आपको छुटकारा मिल जाएगा, ये बिल्कुल आपकी फसल सही हो जाएगी। अब आपको लेकर चलते हैं ग्रीन टीवी की चौपाल में, जिसमें हम सभी मुद्दों पर बात करते हैं, चाहे वो शिक्षा, स्वास्थ्य या फिर कृषि से जुड़ी हुई हो, और करते हैं गांव-गांव जाकर इन मुद्दों पर व्यापक चर्चा और जानते हैं लोगों से उनकी समस्याओं के बारे में। इस बार चौपाल लगी है अमरोहा में और साथ ही रामपुरा। आइए जानते हैं कि वहां के लोग किन किन समस्याओं से जूझ रहे हैं। जब आप दिल्ली से अमरोहा के लिए जाते हैं, तो रास्ते में एक छोटा सा गांव पड़ता है और इस गांव का नाम है जीहल। आज हम जीहल गांव जाएंगे, यहाँ के लोगों से मिलेंगे, यहाँ चौपाल लगाएंगे और यहाँ की मौजूदा स्थिति के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने सफर की। यूसुफ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि थोड़ा सा अपने गांव के बारे में बताएं, कितनी आबादी है गांव की कुल, और क्या दोनों समुदाय है, हिंदू और मुसलमान दोनों रहते हैं? सर, इसमें हिंदू भी हैं और मुस्लिम भी हैं। हाँ। सभी लोग हैं। हाँ। और काफ़ी ज़्यादा संख्या मुस्लिमों की? हाँ, मुस्लिमों की ज़्यादा से ज़्यादा संख्या है। अच्छा। लेकिन जो है इसमें या हरी, उसमें हिंदुओं में भी हरी हर मेल की कास्ट है, अलग अलग कास्ट है। हिंदू भी काफ़ी हैं, लेकिन मुस्लिम लोग अलग हैं और हिंदू लोगों का अलग है, बटा हुआ एरिया अलग अलग से है। यस। जहाँ इस वक्त हम हैं, यहाँ पर एक छोटा स्कूल है, सरकारी स्कूल है, प्राथमिक स्कूल है, इसका भी ज़रा जायज़ा ले लेते हैं, जान लेते हैं क्या पर स्कूल की स्थिति। आप देखिए, सबसे पहले स्कूल के अंदर जाते समय एक नाला, नाले में पानी रुका हुआ, बीमारी का, गंदगी का बहुत बड़ा कारण, और ये है स्कूल।
यहाँ पर बच्चे जरूर घूम रहे हैं। आप लोग स्कूल में पढ़ते हो या फिर ऐसे ही खेलने आए हो? हाँ, पढ़ते नहीं हो, भाग रहे बच्चे। आप पढ़ते हो? कहाँ गए? यहाँ आप बताइए, यहाँ के गांव के बच्चे इस स्कूल में पढ़ने आते हैं? इतनी कहाँ स्कूल में, ज़्यादा तरक्की नहीं है, ज़्यादा गंदगी हर जगह ये है ना, टाइम से खुलना, मास्टर वास्टर कुछ नहीं आते। चाहे वो अमरोहा हो, चाहे सैद नंगली हो, चाहे संभल हो, ये जो आसपास के जितने भी, इसके आसपास के जितने गांव हैं या ये खुद जितने भी ज़िले हैं, पानी की बहुत बड़ी समस्या है जी। सबसे लंबी परेशानी पानी की है जी। मुझे ये बताइए, थोड़ा और अंदर चलना चाहेंगे और चलते चलते आप सबसे जानना चाहेंगे कि कृषि खेती में सबसे बड़ा जो चैलेंज, जो हम कहते हैं कि सबसे बड़ी जो परेशानी का सबब, क्या वो पानी ही है? जी हाँ, पानी है। जी हाँ। तो आप लोगों के यहाँ पानी जो आता है वो पीने लायक नहीं आता? पीने लायक भी नहीं आता, और सिंचाई वगैरह, सिंचाई करने के लिए। तो सिंचाई वगैरह करने के लिए आप लोगों के पास ट्यूबवेल वगैरह लगे हुए हैं? नो, हमारे पास कुछ नहीं है, हम तो ऐसी परेशानी से अपना टाइम काट रहे हैं। तो कैसे करते हैं सिंचाई वगैरह, कैसे करते हैं पानी? खेती सूखी पड़ी है, परेशान है इस टाइम तो ज़्यादा। जब बारिश होने लगी इसलिए पानी के साधन बहुत कम है, नाके बड़ा है, तो पानी पर्याप्त है नहीं, तो साधन नहीं लोगों के पास, साधन उपज होनी चाहिए, उतनी होती नहीं। उपज नहीं होती, उपज गहराई में पहुंच चुका, बारिश नहीं हुई, पानी ज्यादा गहराई में पहुंच चुका, और वो इंजन वगैरह फेल हो गए, बोरिंग वगैरह फेल हो गए, समर सेविल लायक लोगों के कुछ के कब्जे हैं, कुछ के नहीं। साहब क्या करें, जो भी ये लगे हुए हैं मनरेगा में, जिन लोगों के नाम हैं वो तो काम कर नहीं रहे हैं, क्योंकि जो है प्रधान जो है ट्रैक्टरों से करवा रहे हैं, अपने ट्रैक्टरों से करवा रहे हैं, ये आदमियों को तो बुलाते नहीं हैं, उन ट्रैक्टरों को कराते हैं, और जो उनके जो खास खास आदमी हैं उनके नाम भरे और उनके पैसे निकलवा दिए, और बाकी सब ऐसे रह जाते हैं। किसी को अभी हम लोग गाँव के अंदर पूरा अंदर गए भी नहीं थे, और पहले ही समस्या जानने को मिली कि गाँव के ज़्यादातर लोग, इनके पास रोजगार नहीं है, नहीं है मनरेगा के तहत, और जो काम है मनरेगा का वो काम ट्रैक्टरों से करवाया जा रहा है। इसका ये मतलब है कि गांव वालों का जो मुख्य स्रोत है वो खेती का है और किसानी का भी है, लेकिन खेती करने के लिए इनके पास जो सरकार की योजना है मनरेगा की, उसे ज़मीनी स्तर पर लागू नहीं किया गया। चलिए आइए आगे की स्थिति पर भी एक नज़र डालते हैं कि क्या कुछ है गाँव के अंदर, वो भी ज़रा जान लेते हैं। अच्छा अजय जी, ये खेत किस चीज़ के है? ये जी बाजरा है, बाजरे का है। हाँ जी। तो आप भी खुद भी खेत किसानी करते हैं जी? खेती है। हाँ जी। कितने खेत है? लगभग 1-2 बीघा मेरे पे जमीन है, और मैं मजदूरी करता हूँ, उससे चल जाता है आपका? हाँ, थोड़ा मजदूरी करा और मजदूरी करनी पड़ती है, खाने के लिए उसमें पैदा हो जाता है, इसलिए हमारा गुजारा चल रहा है, और ज्यादा तो हमारी आमदनी नहीं है, खर्चे के लिए बस यही। तो मजदूरी प्राइवेट करते हैं मजदूरी, क्योंकि सरकारी तो जी, थोड़ा मनरेगा आपने देखा पीछे, हाँ। मनरेगा चल लिया था, प्रधान ने अपने ही ट्रैक्टरों से भराव डलवा रहे हैं, हाँ। और जो मनरेगा में जो मजदूर हैं, हाँ। वो घर बैठे हैं। एक बार फिर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम अपनी डायरी में से आपको देंगे कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, और साथ ही करेंगे मुनाफों से जुड़ी बात। अनेकता में एकता ही हमारी शान है, इसलिए मेरा भारत महान है। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे कार्यक्रम साप्ताहिकी में। अब नजर हमारी डायरी पर, यानी बात हमारे कार्यक्रम देश डायरी की, जिसमें हम आपको देश के कृषि, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य और पर्यावरण से जुड़ी तमाम हलचलों से रूबरू करवाते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि आपके आसपास के सभी खबरों के साथ आपको अपडेट रखें। आइए जानते हैं इस हफ्ते की सुर्खियों में क्या क्या रहा खास। सरकार ने गेहूं आयात को महंगा कर दिया है, और गेहूं पर 10% इंपोर्ट ड्यूटी लगाने का फैसला किया है। देश में गेहूं के बम्पर भंडार के बावजूद गेहूं के बढ़ते आयात पर काबू लगाने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है। दरअसल दक्षिण भारत की कुछ आटा मिलें ग्लोबल मार्केट से गेहूं का इम्पोर्ट कर रही थी। चालू सीजन के दौरान करीब 500,000 टन गेहूं के इम्पोर्ट सौदे भी हो चुके हैं। ऐसे में घरेलू बाजार में गेहूं की डिमांड पर बुरा असर पड़ रहा था। गौर करने वाली बात ये है कि इस साल बेमौसम बारिश से गेहूं की क्वालिटी भी खराब हो गई थी। ऐसे में सरकार को गेहूं खरीद नियमों में रियायत देनी पड़ी थी। हालांकि सरकार के इस कदम से FCI के पास इस समय ज्यादातर कमजोर क्वालिटी के गेहूं का स्टॉक हो गया है।
केंद्र सरकार अगर अपनी मौजूदा योजना पर कामयाब रही तो चीनी उद्योग के साथ साथ गन्ना किसानों की भी आर्थिक समस्या दूर हो सकेगी, साथ ही चीनी निर्यात को भी फायदा पहुंचेगा। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से निर्देश जारी किए जाने के बाद खाद्य मंत्रालय चीनी के सरप्लस यानी अतिरेक भंडार को खाली करने के साथ साथ गन्ने के बकाए का भुगतान करने के लिए वस्तु विनिमय के जरिए चीनी का निर्यात बढ़ाने की कोशिश पर काम कर रहा है। हम आपको बता दें कि चीनी मिल मालिकों और गन्ना किसान लंबे समय से आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं, जिनको देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उचित कदम उठाने का निर्देश दिया है। केंद्र सरकार अगर अपनी मौजूदा योजना पर कामयाब रही तो चीनी उद्योग के साथ साथ गन्ना किसानों की भी आर्थिक समस्या दूर हो सकेगी, साथ ही चीनी निर्यात को भी फायदा पहुंचेगा। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से निर्देश जारी किए जाने के बाद खाद्य मंत्रालय चीनी के सरप्लस यानी अतिरेक भंडार को खाली करने के साथ साथ गन्ने के बकाए का भुगतान करने के लिए वस्तु विनिमय के जरिए चीनी का निर्यात बढ़ाने की कोशिश पर काम कर रहा है। हम आपको बता दें कि चीनी मिल मालिकों और गन्ना किसान लंबे समय से आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं, जिनको देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उचित कदम उठाने का निर्देश दिया है। पंजाब में मछली उत्पादन को महंगा करने के लिए राज्य सरकार तमाम कोशिशें कर रही है। लोगों को प्रोत्साहित करने के साथ साथ पंजाब सरकार ने राज्य के सभी 14 मछली पालन केंद्रों का आधुनिकीकरण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। पंजाब सरकार ने बताया कि राज्य में मछली के बीजों की मांग और आपूर्ति में भारी अंतर है, जिसे केवल सरकारी केंद्रों में मछली के बीजों के उत्पादन को बढ़ाकर पूरा किया जा सकता है। राज्य सरकार 6 महीने के भीतर सभी मत्स्य पालन केंद्रों को अत्याधुनिक महंगा आधारभूत ढांचा प्रदान करेगी, ताकि प्रदेश में मछली उत्पादन को जोरदार ढंग से बढ़ाया जा सके। झारखंड में कुक्कुट पालन और बकरी पालन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार किसानों को प्रोत्साहित करेगी। किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए झारखंड सरकार नाबार्ड की भी मदद लेगी। इतना ही नहीं, राज्य सरकार पोल्ट्री यूनिट को मनरेगा योजना के तहत भी जोड़ने की पहल कर रही है। इस योजना के तहत किसानों को विभिन्न योजनाओं के जरिए मदद पहुंचाई जाएगी। राज्य सरकार पोल्ट्री को मनरेगा से जोड़कर लोगों को रोजगार मुहैया कराने के साथ साथ बकरी पालन और कुक्कुट पालन को बढ़ावा देगी। इसके लिए राज्य सरकार ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। बहुत जल्द इस पर काम भी शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं मुनाफे से जुड़ी खबर। मुनाफे के में इस हफ्ते हमने चर्चा की थी काली मिर्च और छोटी इलायची पर। जी, मंडियों में इस समय जो छोटी इलायची की आवक का जो दबाव है वो थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि अगर हम पिछले पखवाड़े से पहले की बात करें तो उससे भी ज़्यादा ठहराव की स्थिति थोड़ी सी बनी हुई है। हालांकि अभी अगर हम देखें तो छोटी इलायची की कीमतों में जल्दी में तेज़ी के अभी आसार नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मंडियों में जो आवक है वो लगातार बनी हुई है। और चूंकि सितंबर से अंत तक बाज़ार में कुछ हालांकि सुधारात्मक रुख देखने को मिल सकता है, लेकिन और जो निर्यात मांग है अगर वो निकल के आती है इलायची में तो भी प्राइसेस में हमें थोड़ा सा सपोर्ट देखने को मिल सकता है। हालांकि अगर हम जो मुख्य उत्पादक जगह है ग्वाटेमाला, वहाँ में अगर हम इलायची के उत्पादन की बात करें तो तकरीबन 29,000 से 29,500 टन के आसपास रह सकता है। और इस साल ये जो उत्पादन है तकरीबन 7 से 8 हज़ार टन तक की गिरावट की संभावनाएं बताई जा रही हैं। तो हाल फिलहाल जो है इलायची के भाव में थोड़ी सी स्थिरता हमें देखने को मिल सकती है। और ये भी है कि आगे चलकर अगर वैश्विक रूप से अगर डिमांड निकल के आती है तो कहीं ना कहीं प्राइसेस को वहाँ से सपोर्ट देखने को मिल सकता है और निर्यात मांग में थोड़ा सा सुधार देखने को हमें मिल सकता है इलायची के प्राइसेस में। बिल्कुल, अगर हम मंडी की बात करते हैं तो कोची मंडी में इस समय छोटी इलायची का जो भाव है वो क्या चल रहा है और जो अलग अलग वैरायटीज हैं उनका क्या स्टेटस है? जी, अगर कोची मंडी में अगर हम इलायची की बात करें तो जो फसल है वो उसका जो आवक है अभी भी बनी हुई है और इन भावों में कोई मौजूदा स्तरों पे कोई विशेष सुधार हमें देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि ऑक्शन जो सेंटर बने हुए हैं कोची में, वहाँ पे भी कारोबारी जो है वो अच्छा माल वहाँ पर आता हुआ देख रहे हैं और
हालांकि साउथ इंडियन ग्रीन कॉडमम जो कंपनी है उसमें तकरीबन उत्पादन जो है कुल 63,786 किलो इलायची वहां पर आवक दर्ज की गई है, हालांकि जिसमें से 62,727 किलो जो इलायची है वो तकरीबन ऑक्शन हो चुकी है बाज़ार में, और इस तरीके से जो औसत क्वालिटी की जो इलायची का जो मूल है अभी 644 रुपये प्रति किलो, और जो अच्छी क्वालिटी का इलायची का जो मूल है वो तकरीबन 952 रुपये प्रति किलो के भाव पर अभी मौजूदा स्तरों पर कोची मंडियों में चल रहा है। इस प्रकार जो अगर हम बात करें तो पिछले साल जो आवक हुई थी तकरीबन 45,173 किलो छोटी इलायची की आवक हुई थी, जिसमें से तकरीबन 63,393 रुपये बढ़िया माल, तकरीबन 894 रुपये और 633 रुपये जो एक नॉर्मल क्वालिटी का इलायची का मूल है, और अच्छी क्वालिटी का मूल 894 रुपये प्रति किलो के भाव पर कोची मंडी में बिका है। तो मौजूदा भावों पे प्राइसेस की यही स्थिति अभी नजर आ रही है। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। वतन पर जो फिदा होगा अमर वो नौजवान होगा, रहेगी जब तलक दुनिया ये अफसाना बयां होगा। दोस्तों स्वागत है आपका साप्ताहिकी में। अब बात पशुपालन से जुड़ी। इस हफ्ते हमने आपको फिशरी से जुड़ी बातों से रूबरू करवाया था और दी थी ढेरों जानकारियां। कोई बात नहीं, अगर आप कार्यक्रम देख नहीं पाए तो आइए आपको बहुत कम समय में बताते हैं पशुपालन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। पर्वतीय क्षेत्रों को मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है। एक तो ये है उच्च पर्वतीय क्षेत्र जहाँ पर बर्फ गिरती है, स्नोफेड वाटर होता है और पानी का तापमान जो है 0 से 20 डिग्री टेम्परेचर तक रहता है, एक तो वो क्षेत्र है। दूसरा मध्य एवं निम्न पर्वतीय क्षेत्र हैं जहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा रहता है पानी का टेम्परेचर, मतलब 20 डिग्री से ज़्यादा पानी का टेम्परेचर रहता है। तो जहाँ उच्च पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ मुख्य रूप से पाली जाने वाली प्रजातियाँ जो हैं एक ट्राउट होती हैं जो कि एक विदेशी प्रजाति है, और इंडियन ट्राउट में स्नो ट्राउट है जो कि भारतीय है। तो मुख्य रूप से पाली जाने तालाबों में, रेसवेज में जहाँ पर सुचारू कोल्ड वाटर जो है उपलब्ध है और साफ पानी उपलब्ध है वहाँ पर रेसवे में हम जो है रेनबो ट्राउट का पालन कर सकते हैं। तो रेनबो ट्राउट ये चंपावत केंद्र हमारा जो है ये ऐसा क्षेत्र है जो उच्च और मध्य दोनों के बीच का क्षेत्र माना जाता है, जहाँ पर ये एक ऐसा क्षेत्र है कि जनरली या तो ट्राउट पाली जा सकती है या कार्प पाली जा सकती है। यहाँ पर दोनों आप देख रहे हैं, यहाँ पर रेनबो ट्राउट भी है, यहाँ पर हैचरी है, उत्पादन भी हो रहा है और दूसरा जो है कार्प का ही है। तो इसका मतलब यहाँ पर ऐसा भी क्षेत्र है कि जहाँ पर पानी 20 डिग्री से ऊपर भी नहीं होता है और दूसरे क्षेत्र में पानी बढ़ भी जाता है टेम्परेचर, तो ऐसे क्षेत्र में ट्राउट पालने का है। तो हमारे यहाँ चंपावत केंद्रों पर मुख्य रूप से रेनबो ट्राउट का, कॉमन कार्प का और दूसरा ग्रास कार्प ये मछलियों का उत्पादन होता है। सर मैं जानना चाहूंगी जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पे मछली पालन किया जाता है, लेकिन मछली पालन की अगर मैं बात करूँ किस तरह से उसको बांटा जा सकता है पर्वतीय क्षेत्रों को ही, कि कौन कौन सी मछली किस क्षेत्र के मुताबिक सही बैठती है। देखिए पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ का टेम्परेचर 20 डिग्री या उससे कम रहता है वहाँ पर ट्राउट पालने के लिए ये सलाह दी जाती है। जहाँ पर पानी बहुतायत मात्रा में हो, रनिंग वाटर हो, कोल्ड वाटर हो, क्लीन वाटर हो, ये मुख्य रूप से ट्राउट पालने के लिए मुख्य रूप से, जिसमें कि डीओ का लेवल डिजॉल्व ऑक्सीजन 7 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा होना चाहिए, पीएच 6.8 से 8 के बीच में होना चाहिए। ये जो जहाँ पर हैवी मेटल नहीं होना, जैसे कुछ पहाड़ी क्षेत्र में पानी तो बहुत ज़्यादा है लेकिन वहाँ पर आयरन और ये सब की मात्रा इतनी ज़्यादा है तो उसमें भी ट्राउट पालन के लिए सलाह नहीं दी जाती है। तो ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर जो हमने बताया आपको ये सुटेबल हो रहा है इनको यहाँ पर ट्राउट पालें उसके लिए मुख्य रूप से ट्राउट दो तरीके से पालते हैं। एक तो मत्स्य बीज, ट्राउट का मत्स्य बीज उत्पादन के लिए पालते हैं, दूसरा जो है मार्केटिंग साइज टेबल साइज बनाने के लिए पालते हैं। जैसे कुछ कृषक जो है उनके पास बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो ब्रूडर रखने का ही जगह है तो क्या करें, को ब्रूडर रख लें एक दो रेसवे में और एक हैचरी छोटी सी बना लें,
तो उससे जो है वो मत्स्य का बीज बनाएं, मिस मत का बीज बनाने के बाद उसको मार्केट में सेल कर दें, उनकी एक्टिविटी दो तीन महीने में खत्म हो जाती है, बाकी उनको चलाते रहना है। जी। दूसरे जो मत्स्य पालक है जिनके पास हैचरी और ये सब चीज़ें नहीं हैं, वो मत्स्य बीज को अंगुलिकाएँ जो हैं ट्राउट कर लें और अपने यहाँ छोटे से चाहे छोटा से छोटा रेसिवर है उसमें डालें और जब वो मार्केट साइज 200-300 ग्राम हो जाए तो मार्केट में बेच दें। दोस्तों, टीचर बनना हर कोई चाहता है क्योंकि पढ़ने और पढ़ाने का शौक हर किसी को होता है और हर कोई जानता भी है कि इस प्रोफेशन में आपके दो फायदे हैं। पहला कि आपकी खुद की नॉलेज बढ़ती है और दूसरा आप कमाते हैं ढेरों पैसा। इस हफ्ते हमने बात की स्पेशल एजुकेशन पर कि इस क्षेत्र में आप टीचिंग करके क्या क्या फायदे कमा सकते हैं। अगर आप अध्यापक बनना चाहते हैं और पैसों के साथ साथ इन विशेष बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप विशेष टीचर बन सकते हैं। स्कोप बहुत है क्योंकि हमारे समाज में ऐसे बच्चों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और ऐसे बच्चों का भी पूरा अधिकार है समाज में अपने अधिकार को लेने का, अपने लिए लड़ने का। तो ऐसे बच्चों के लिए विशेष शिक्षा की ज़रूरत होती है। अगर आज हमारा समाज इस तरफ जागरूक हो जाए तो ऐसे बच्चे भी किसी से कम नहीं रहेंगे और आगे बढ़ के सफल हो सकते हैं और अपने सपनों को उजागर कर सकते हैं। तकनीकी तरक्की के साथ साथ अब लोग शिक्षा के प्रति भी जागरूक हो रहे हैं। हमारे देश में शिक्षा का ग्राफ बढ़ रहा है, शिक्षा के महत्व को हर कोई समझ रहा है। विशेष बच्चों की शिक्षा में बढ़ती भागीदारी ने विशेष शिक्षा और विशेष शिक्षक के महत्व को बढ़ा दिया है। अगर आप विशेष शिक्षक बनना चाहते हैं तो इसकी शिक्षा के लिए हमारे देश में बहुत सारे संस्थान हैं, जहां से आप डिग्री, डिप्लोमा और शॉर्ट टर्म कोर्स कर सकते हैं। आप स्पेशल एजुकेशन में अगर शिक्षा प्राप्त करना चाहती हो तो इंडिया में बहुत सारे ऐसे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गए, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया है जो कि पूरे इंडिया में स्पेशल एजुकेशन के लिए ट्रेनिंग देता है और बहुत सारे ऐसे इंडिया में अभी भी स्कूल कॉलेजेस हैं जो कि स्पेशल एजुकेशन शुरू कर रहे हैं, चल रहा है ऑलरेडी। कॉलेज ऑफ टीचर्स एजुकेशन आंध्र प्रदेश, नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर द मेंटली हैंडीकैप्ड असम, ट्रेनिंग सेंटर फॉर द टीचर्स ऑफ द विजुअली हैंडीकैप्ड बिहार, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़, डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी एजुकेशन एंड डिसेबिलिटी स्टडीज पंजाब, इंस्टीट्यूट फॉर स्पेशल एजुकेशन दिल्ली, दुर्गाबाई देशमुख कॉलेज ऑफ स्पेशल एजुकेशन दिल्ली, इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एलाइड साइंसेज दिल्ली, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कॉपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट दिल्ली। जब आप इस कोर्स को कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद में अगर आप देखते हैं कि गवर्नमेंट में अगर आप देखना चाहते हैं तो सबसे पहले गवर्नमेंट की बात करें तो DSSB के थ्रू कोर्सेज होने के बाद में जॉब अवेलेबल होती है। हर साल DSSB के थ्रू वैकेंसी आती हैं। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज आती हैं। उसके बाद में आपका जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, क्लिनिक्स हैं, NGO हैं, वहाँ हर कहीं पर स्पेशल एजुकेटर के रिक्वायरमेंट हैं। एक बार फिर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम आपको रूबरू करवाएंगे आपके तिरंगे से जुड़े अधिकारों से। ये नफरत बुरी है, ना पालो इसे, दिलों में खलिश है, निकालो इसे, ना तेरा ना मेरा, ना इसका ना उसका, ये सबका वतन है, बचा लो इसे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हमने चर्चा की अपने तिरंगे से जुड़ी और जाना अपने तिरंगे से जुड़े अधिकारों, नियम और कानून के बारे में। ये सभी जानकारी हमें दी रिटायर्ड कमांडर KV सिंह जी ने। आइए डालते एक नजर हमारी इस खास मुलाकात पर। इसका श्रेय जाता है एक हमारे युवा उद्योगपति इंडस्ट्रियलिस्ट श्री नवीन जिंदल जी। वो यंग लड़के थे, उन्होंने 23-24 साल के, वो अमेरिका से पढ़ के आए थे। तो अमेरिका में वो स्टूडेंट यूनियन के वहाँ पर प्रेसिडेंट थे, तो जो हिंदुस्तान का झंडा था वो अमेरिका में फहरा रहे थे, तो किसी ने उनको रोका टोका नहीं। तो जब वो अपने देश में लौट के आए और उनके पिता ने उनको एक फैक्ट्री में उनको दी, रायगढ़ की फैक्ट्री उनके नाम करी, तो वो अपनी फैक्ट्री में गए तो वहाँ उन्होंने 26 जनवरी को झंडा फहरा दिया लोगों ने। तो जब वो 27 जनवरी को वापस लौट रहे थे तो उन्होंने देखा
कि डंडा खड़ा है, उस पर झंडा नहीं है। तो उन्होंने अपनी कार रोकी और ये कहा कि ये झंडा है पर क्यों नहीं है। तो जो ऑफिसर्स थे उन्होंने बताया कि सर यहाँ तो देश के अंदर अलाउ सिर्फ 3 दिन ही है, 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर को। तो उस वक्त उन्होंने सोचा कि मैं अमेरिका के अंदर तो झंडा फहरा सकता था और मैं अपने देश में ही अपना झंडा नहीं फहरा सकता। तो क्योंकि धनाढ्य थे, बड़े इंटेलिजेंट थे, नया जोश था, युवा थे, तो उन्होंने देश के माने जाने जो हैं वकीलों से सलाह करी कि भाई इसके बारे में क्या ख्याल है। तो वकीलों ने उनको सलाह दी कि अगर आप झंडा फहरा रहे हो तो आप कोई गलत काम नहीं कर रहे, उनको ये सलाह दी गई। उन्होंने कहा अगर ये बात है तो उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर एक रिट दायर कर दी 1995 के अंदर फरवरी के महीने में, और हाई कोर्ट ने उनको सितंबर के महीने में कह दिया कि आप झंडा फहरा सकते हो, ये हमारा मौलिक, हमारा राष्ट्र का, ये हमारा हर नागरिक का अधिकार है। 2002 के अंदर सरकार ने मान लिया था कि झंडा जो है वो आम व्यक्तियों को, आम नागरिक को फहराने की अनुमति दी जाए, परंतु नवीन जिंदल ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं, ये मौलिक अधिकार डिक्लेयर होना चाहिए। इसलिए उन्होंने पूरा केस सुप्रीम कोर्ट से लड़ा और फिर 2 साल बाद 2004 में 23 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज को फहराना हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। वो अपने घर पर फहरा सकता है, अपनी फैक्ट्री पे फहरा सकता है, अपने काम पे फहरा सकता है, अपनी साइकिल पे लगा सकता है, किसी जगह भी वो राष्ट्रीय ध्वज का जो है प्रदर्शन कर सकता है। मान लीजिएगा कि किसी विशेष व्यक्ति की, जिसको कि अपने राष्ट्रीय शोक डिक्लेयर किया है, 13 अगस्त को मान लीजिएगा किसी का निधन हो गया और 7 दिन का शोक डिक्लेयर कर दिया, इसका अर्थ ये हो गया कि 7 दिन तक हमें झंडा झुकाए रखना है। परंतु 15 अगस्त 2 दिन बाद आ रही है, तो ये याद रहे कि 15 अगस्त के दिन यद्यपि शोक डिक्लेयर किया गया है, झंडा पूरा चढ़ाया जाएगा क्योंकि वह राष्ट्रीय पर्व है। शोक के बावजूद भी जाहिर सी बात है, हाँ। कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान सम्माननीय, बहुत ज्यादा आदरणीय हो सकता है, लेकिन है वो देश से ऊपर नहीं है। राष्ट्र से ऊपर नहीं है, नहीं, इसलिए उस दिन राष्ट्र का ध्वज जो है वो पूरा फहराएगा, सिवाय उस बिल्डिंग के जिस बिल्डिंग में उसकी शव रखा है। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का शव रखा है जी एक बिल्डिंग के अंदर, तो बाकी बिल्डिंगों में आप जो है झंडा 15 अगस्त के दिन फहरेगा, परंतु यदि शव रखा है उस बिल्डिंग में तो वहाँ आधा झंडा झुकेगा, और जैसे ही शव वहाँ से हटाया गया वो ध्वज का फिर वो ऊपर चढ़ा दिया जाएगा, जब हम इसका सम्मान करेंगे। बिल्कुल, यदि हम ये सोच लें कि हमारे ध्वज में हरा रंग हमसे कहता है कि हम देश की जो उन्नति करें, तो उन्नति करने के लिए हम सबको अपना काम करना चाहिए। तो ये जो हमें एक मैसेज देता है हमारा ध्वज, तो हमारे जो युवा हैं, मैं उनसे अनुरोध करूँगा, जो हमारे पॉलिटिशियन हैं उनसे अनुरोध करूँगा, जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, क्योंकि जिनसे मेरा संपर्क बढ़ा रहा है, शायद वो मुझे मेरी अपनी सोच के मुताबिक वो इसके प्रति थोड़े से उदासीन हैं। उन्हें चाहिए कि यदि वो देश से करप्शन दूर करना चाहते हैं या देश की उन्नति सच्चे मन से चाहते हैं, तो उन्हें सच्चे मन से तिरंगे को अपनाना होगा। एक बार फिर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद हम आपको लेकर चलेंगे मनोरंजन के सागर की ओर। वतन हमारा मिसाल मोहब्बत की, तोड़ता है दीवार नफरत की। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। गाना सुनना किसे अच्छा नहीं लगता, अगर कोई खुश है तो उसकी खुशी में और 4 चांद लगाता है संगीत। और अपने इस कार्यक्रम से हमारी कोशिश रहती है कि आपको नए नए कलाकारों से मिलवाए और उनके संगीत द्वारा आपके चेहरे पर एक खिलती सी मुस्कान लाए। इस हफ्ते हमारे म्यूजिकल जर्नी में हमारे साथ थे श्लोका रॉक बैंड। तो आइए आप भी लुत्फ उठाइए हमारे साथ रॉक गानों का। मेरे पैरों को क्यों काटा है
का साथ इन सारे इंस्ट्रूमेंट ने दिया, लेकिन मैं मेरी एक दरख्वास्त है, गुजारिश है कि मैं अलग से भी दो लाइनें इसकी जो अभी आप गा रहे थे अलग से बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के सुनना चाहूँगी। इसकी जो पहली लाइन है उसमें मतलब एक रिबेल वॉइस है, वो कह रही है कि मेरे पैरों को क्यों काटा है, मुझे टुकड़ों में क्यों बांटा है, जीने दो। खास करके मेरी मम्मा जो है वही मुझे बहुत ज़्यादा कहती हैं कि तुम सिंगिंग पे ध्यान दो, सीखो, टाइम दो इसको। बहुत ज़्यादा ही मतलब वो कहते हैं कि तुम अच्छा कर सकते हो, हमेशा करो। तो फिर वही होता आया, सुनते 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 करते करते करते। आपको भी सपोर्ट मिला? इनफैक्ट जब हम दोनों करते थे मेरे घर पे जैमिंग करते थे तो मेरी वाइफ है तो उन्होंने बोला कि इसको बाहर लेके जाओ, लोगों तक म्यूजिक पहुंचाओ। हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर की है जिसकी हिफाजत हमने, ऐसे तिरंगे को हमेशा अपने दिल में बसाए रखना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात। जय हिंद, जय भारत।